हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर निशा और हम लोग आज देखने वाले हैं पेटेंट मेडिसिन में से कुछ नई चीजें। लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने छोटे छोटे पेटेंट मेडिसिन देखे, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द सेट ऑफ पेटेंट मेडिसिन जो भी हम लोग पीडियाट्रिक्स के लिए और जीरियाट्रिक्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि है ना, बहुत सारे लोग अभी मुझे आ रहे हैं कि है ना, छोटे बच्चों से लेके बड़े ओल्ड एज तक के लोग जो आते हैं, पेशेंट्स जो आते हैं, वो ना बहुत बार बोलते हैं कि ना मैम, हमें कुछ होम्योपैथी में कुछ टॉनिक दे दो सो दैट हमारी यू नो वेट गेन हो जाए या फिर ताकत आ जाए। ऐसे बहुत लगता है कि दिन भर हम लोग एक्सर्शन करते हैं, दिन भर हम लोग काम करते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत थका थका सा महसूस होता है, या फिर बीमारी, कुछ भी बीमारी हुई हो उससे उठ के, मतलब कुछ तीन चार दिन वायरल इन्फेक्शन के बाद, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी कुछ बीमारी सेट ऑफ सिम्टम्स जो भी थे, उसके बाद थोड़े दिन बाद है ना, उनको थोड़ा सा वीकनेस सा फटीग लग रहा है, डल लग रहा है। कोई कोई लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्जर्शन होता है उनका, मेंटल बोलो, फिजिकल बोलो, एनी काइंड ऑफ एक्जर्शन इफ दे आर गोइंग थ्रू। और उनका बहुत बार ऐसे होता है कि ना, कभी कभी पेशेंट आके बोलते कि है ना, पता नहीं, मैं तो सब खाता पीता रहता हूँ, सब कुछ अच्छा है मेरा, बट मेरा वेट गेन ही नहीं होता। दैट इज ऑलवेज इन टू देयर मेटाबोलिक प्रॉब्लम, सम एंड द अदर मेटाबोलिक प्रॉब्लम। बट कभी कभी हम लोग उनको सिमिलिमम मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट्स बहुत बार ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि नहीं, हमको है ना कुछ टॉनिक ही दे दो। सो कभी कभी यू नो दैट प्लासिबो इफेक्ट। सो फॉर दैट रीजन नो, हमें कभी कभी पेशेंट के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कुछ देना पड़ता है, ऐसा कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, सो दैट पेशेंट को एक मेंटली रिलीफ मिले कि हाँ भाई, मुझे कुछ तो डॉक्टर ने दिया है एंड ड्यू टू दैट रीजन और ड्यू टू वो चीज या फिर वो मेडिसिन से मुझे आराम मिल रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है। और हम लोग ग्लोब्यूल्स में भी उनको देंगे उनकी सिमिलर मेडिसिन और उसके साथ ये मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बच्चों से स्टार्ट करेंगे, मतलब पीडियाट्रिक एज ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जीरियाट्रिक्स में या फिर अडल्ट्स एंड ओल्ड एज के लिए देखेंगे। ठीक है, सो वैसे तो पीडियाट्रिक्स में आते हैं दो टाइप्स के, तो एक है सीरप एंड एक है लाइक टाइप ऑफ च्यवनप्राश जो हम लोग दूध में मिला के उनको प्रेफर करते हैं देना। ठीक है, सो और भी बहुत सारे आते होंगे बट आई हैव दिस ओनली टू और मुझे इन दोनों का रिजल्ट बहुत वंडरफुली मिला है। लाइक मैं जो भी कोई पीडियाट्रिक के पेशेंट्स आते हैं ना, उनको मैं ये छोटे छोटे बच्चों में ना ये देती हूँ ना, दे आर लाइक कि हमें बोनविटा मिल गया, हमें हॉर्लिक्स मिल गया, तो हमको यही पीना है, वो पीना है। और कभी कभी ना छोटे छोटे बच्चे जब फॉलो अप के लिए आते हैं ना, अगर ये खत्म हो गया होगा ना, दे यूज टू गेट दैट एंड गो बैक, मतलब वो लेके चले जाते हैं, मतलब ये चाहिए मैम, वो बोनविटा दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करते भी है। सो दिस इज नॉट लाइक कमर्शियल बेसिस पे मैं नहीं करने वाली, मैं नहीं कर रही हूँ, बट या अगर हम लोग ऐसी कुछ चीजें देती है, वी कैन अगेन सब्स्टिट्यूट फॉर दोज बॉर्नविटाज एंड ऑल दैट हॉर्लिक्स एंड ऑल दैट हॉट चॉकलेट्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंड ऑलवेज ये बात ध्यान में रखना कि है ना, कभी भी हम लोग कोई सप्लीमेंट्स देते हैं ना, उसके साथ हम लोगों को एक डाइट भी देना है उन बच्चों को कि है ना, आप लोग ये खाना खाओ, वो खाना खाओ, मतलब हमें उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन का काउंसलिंग जो होता है ना, वो हमें प्रॉपरली करना पड़ता है। ठीक है, सो आते हैं हम लोग ये अल्फा अल्फा माल्ट की तरफ। आई नो ये मेरा फ्रंट कैमरा है तो उल्टा दिख रहा होगा, आई शो यू इन बोथ वेज, लेकिन ये अल्फा अल्फा माल्ट जो है ना, तो इसमें क्या है कॉम्पोजिशन, तो अल्फा अल्फा एवाइना सटाइवा जी जिनसिंग है, हाइड्रास्टिस है, सिंकोना है, काली फॉस, काली अर्स, फेरम एसेटिकम, कल्केरिया फॉस, इतने सारे कंटेंट्स है इसमें। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग डिस्पेंस करते हैं, ये कैसे हम लोग देते, कब हम लोग देते, तो अल्फा अल्फा माल्ट जब भी हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लाइक टिल एज ऑफ 12, ठीक है, तो वो छोटे एज में कभी कभी है ना, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं उनको पाइका होता है, लाइक बहुत पेशेंट्स बोलते हैं कि ये लोग कुछ भी खाना खाते, सिर्फ दूध मांगता है ये, सिर्फ ये मांगता है, खाना नहीं खाता अच्छे से, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो अगर ऐसे बच्चे आते हैं ना, तो यू कैन डेफिनेटली गिव, अगर किसी किसी को है ना दूध पसंद है लेकिन उसमें हॉर्लिक्स ही पसंद है, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस फॉर द सब्स्टिट्यूट ऑफ दोज हॉर्लिक्स एंड दोज यू नो कॉम्प्लेन एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, मोस्टली बॉर्नविटास के बहुत ज्यादा फैन है बिकॉज इट इज स्वीट, हाँ वो क्रेविंग करता है, स्वीट क्रेविंग होता है उस चीज से। ठीक है, तो ये अल्फा अल्फा माल्ट कैसे करेंगे, इट इज च्यवनप्राश की तरह होता है ये,
ये 250 ग्राम का आता है बॉटल फॉर 200 रुपीज, ठीक है। और इसका ना ऐसे बॉटल आता है, ऐसा बॉटल आता है, ठीक है। तो ये बॉटल जो है ना, इसपे सारे कंटेंट दिए हैं, फाइन, इसमें कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। लेकिन मैं छोटे बच्चों को क्या करती हूँ, एक कप दूध में मैं एक आधा चम्मच, मतलब इतना उसमें गुनगुने कप में, गुनगुने मिल्क में लेके उसको स्टर करके उनको पीने को बोलती हूँ एवरी मॉर्निंग, ठीक है। सो ये उनका अल्फा अल्फा माल्ट हो गया। यू विल गेट अ मैनुअल इन टू दिस बॉक्स टू, सो आप ये रीड करके डोसेस एडजस्ट भी कर सकते हो। आपको है ना ये रीड करके और भी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आपको अगर चाहिए होगी तो वो मिल जाएगी, लेकिन दिस हैज वेरी वंडरफुल रिजल्ट, ठीक है। ये मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, उसका भी क्लिनिक है, उसने मुझे सजेस्ट किया था। सो है ना, दिस इज लाइक इट्स वंडर्स फॉर माई क्लिनिक। नाउ ये अल्फा अल्फा टॉनिक है, दिस इज अ सीरप, आई विल नॉट ओपन इट बिकॉज ये लॉक है यहां से। तो इसकी कॉम्पोजिशन सेम, इसके जो कॉम्पोजिशन है सेम, इसके भी यही कॉम्पोजिशन है। ये मैं कब देती हूँ पता है, जब बच्चे थोड़ा और छोटे होते हैं, 5 साल तक के जो भी बच्चे रहते हैं ना, उनको 1 टीस्पून में मॉर्निंग और इवनिंग को देती हूँ। कभी कभी किसी किसी डॉक्टर ने तो मुझे बोला था कि मॉर्निंग में 2 टेबल स्पून दे देना, सो दैट उनको दिन भर में एनर्जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे ना थोड़ा सा दवाई बोलो ना तो नाक ऐसे मिड़मड़ा सा करते, और है ना ये थोड़ा सा स्वीट भी लगता है, अच्छा भी लगता है, बट ना फिर भी बच्चों को मेडिसिन बोला ना तो वो थोड़ा सा टेंट्रम्स थ्रो करते ही करते। सो ये उन बच्चों के लिए जिनको मतलब जो दूध पीना पसंद नहीं करते, जिनको है ना ये अल्फा अल्फा माल्ट लेना नहीं है जिनके मॉम डैड को, तो वो ये भी प्रेफर कर सकते हैं टॉनिक, ठीक है। ऐसा भी आता है, दिस कम्स इन SBL कंपनी एंड दिस इज ऑल्सो इन SBL कंपनी। इसका नाम है अल्फा अल्फा माल्ट एंड इसका नाम है अल्फा अल्फा टॉनिक पीडियाट्रिक्स, ठीक है। ये आपको बहुत सारे फ्लेवर्स में मिल जाता है, बट आई प्रेफर चॉकलेट फ्लेवर बिकॉज बच्चों को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। फिर ये हो गया हमें पीडियाट्रिक वाला, अभी हम लोग देखेंगे जीरियाट्रिक वाला, लाइक बड़े लोगों में देखेंगे। तो ये 115 ml का है, 115 ml का है, मैंने इसका प्राइस नहीं बताया ना। सो ये जो अल्फा अल्फा पीडियाट्रिक वाला है ना, वो 125 का कॉस्ट करता है, ठीक है। 115 ml मतलब 115 ml सेम। ये भी अल्फा अल्फा टॉनिक है विथ जिनसिंग, ठीक है, विथ जिनसिंग मतलब एक्स्ट्रा कंटेंट आता है जिनसिंग का। जिनसिंग कितना है, 2% जिनसिंग का मदर टिंचर है। तो है ना ये आता है, ये हम लोग कब देते हैं, जब बहुत बेड रिडन पेशेंट्स रहते हैं ओल्ड एज में, कभी कभी उनको पैरालिसिस होता है, वो खाना ठीक से नहीं खाते हैं, उनका है ना खाना अच्छे से पचता नहीं है, कुछ भी दे दो वो नॉशियटिक फीलिंग होता है उनको, वॉमिटिंग जैसा होता है उनको, या फिर उनको अगर है ना कुछ भी ऐसे खाना खाने का मन ही नहीं करता कभी कभी पेशेंट्स को। सो वो पेशेंट्स के रिलेटिव बहुत ज्यादा मतलब हमें बोलते कि नहीं इनको टॉनिक ही दे दो, इनको टॉनिक ही दे दो। और उन लोगों में जो ओल्ड एज के लोग है ना, उनको पता है कि अगर डॉक्टर हमको टॉनिक देगा तो हमें भूख लगेगी, सो उनकी वो मेंटालिटी भी हो जाती है कहीं पे, ठीक है। तो उस टाइप के पेशेंट्स को आप लोग ये दे सकते हो, या फिर है ना कोई कोई पेशेंट बहुत क्रॉनिक डिजीज से जा रहा है, आपके पास बहुत फ्रीक्वेंटली फॉलोअप पे आ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गिव दिस टू दैट पेशेंट, सो दैट उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ती रहे। कभी कभी है ना कोई कोई बच्चे अच्छे से देखभाल नहीं करते ओल्ड एज पीपल का, और वैसे वाले लोग आते हैं, ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं दिन भर में मेरा काम करती हूँ, मेरे पति का काम करती हूँ, फिर वो कुकिंग वगैरह करते हैं। लाइक मेरे एरिया में जैसे पेशेंट्स मुझे मिलते हैं, वो मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस। तो उन टाइप के बच्चों, उन टाइप के पेशेंट्स को भी आप ये दे सकते हो, ठीक है। इट इज ये कॉस्ट करता है 110 रुपीज फॉर 115 ml। सो है ना आप ये अच्छे से उनको दे सकते हो। तो यहाँ पे ना उन्होंने डोसेज दिया है कि अडल्ट में 10 ml आप लोग है ना ट्वाइस अ डे या फिर थ्राइस अ डे दे सकते हो, लेकिन मैं उनको है ना 2 टेबल स्पून इन द मॉर्निंग एंड 1 टेबल स्पून एट नाइट बोलती हूँ, जस्ट बिकॉज कि उनको बहुत सारे और ढेर सारे मेडिसिन रहते हैं साथ ही में, इसीलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा सा डोज एडजस्ट करके ले लेना, ठीक है। सो ये तीनों जो भी मेडिसिन है वो सारे के सारे अल्फा अल्फा टॉनिक्स है, अल्फा अल्फा माल्ट, अल्फा अल्फा का जो भी कोई टॉनिक है वो बहुत एनर्जी बूस्ट करता है, वो बहुत अच्छा टॉनिक माना गया है। एंड या दिस वॉज द बेस्ट टॉनिक्स यू कैन प्रिस्क्राइब इन योर ओपीडीज एंड
इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स इफ यू आर प्रैक्टिसिंग विद दिस ऑल्सो. अगर कोई टॉनिक आता है ओवर काउंटर मेडिसिन टाइप अगर कोई देना चाहता है तो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस. अभी मैं ना आपको इसका फ्रंट व्यू करके दिखाती हूँ सो दैट यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया. यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड देन यू कैन बाय दिस. ये अल्फा अल्फा टॉनिक विथ जिनसिंग ये अडल्ट के लिए है 115 ml फॉर 110 rupees. ये आता है पीडियाट्रिक का अल्फा अल्फा टॉनिक, ये 115 ml 125 rupees का है. ये अल्फा अल्फा माल्ट आता है ये 250 ग्राम का है 200 rupees का. ठीक है, ये मिल्क के साथ लेना है, ये डायरेक्टली आपको लेना है. ठीक है, तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर कर देना जितना हो सके, आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड यहाँ जुड़े रहिए मेरे साथ आगे. और हम लोग बहुत सारे पेटेंट मेडिसिन का देखने वाले, छोटे छोटे क्लिनिकल टिप्स देखने वाले हैं एंड या स्टे ट्यून फॉर दोज ऑल इन्फॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज फॉर योर क्लिनिक क्लिनिकल प्रैक्टिस या फिर अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो क्लिनिक का तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. सो टिल देन बाय, टेक केयर.